ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप ले सकते हो। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज रिग्रेशन। अब स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं, जैसे हमने बायो स्टैट्स पढ़ा था, फिर हमने डेटा और वेरिएबल्स पढ़ा था, उसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा पढ़ा था। प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा में हमने पिक्टोग्राम, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सब कुछ पढ़ा था। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन, मीडियन, मोड वगैरह देखा था। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, वेरियंस, ये सब कुछ देखा था। फिर हमने जेड स्कोर पढ़ा था। फिर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का देखा था, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, स्क्यूड डेटा, स्क्यूड डेटा में पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड डेटा देखा था। फिर हमने टेस्ट ऑफ स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस देखा था, उसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट देखे थे, उसमें एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप रहेंगे तो कौन से टेस्ट लगाएंगे, पैटी टेस्ट, एनपैटी टेस्ट, एनोवा, का स्क्वायर, ये सब देखा था। फिर हमने हाइपोथेसिस पढ़ा था कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है, ऑल्टरनेटिव स्टडी हाइपोथेसिस क्या होती है, पी वैल्यू क्या होती है, ये देखी थी कि भैया कब कहते हैं कि वैल्यू सिग्निफिकेंट है। उसके बाद हमने एरर्स के बारे में पढ़ा था, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर पढ़ा था। फिर हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल देखा था, फिर हमने काई स्क्वायर देखा था, उसके स्टेप्स देखे थे, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। फिर हमने प्रोबेबिलिटी देखी थी, फिर प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, उसमें प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन वाला रूल, एडिशन वाला रूल, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। फिर हमने कोरिलेशन देखा कि भाई लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन, कोरिलेशन में लीनियर में फिर पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन विद एग्जांपल्स, ये सब कुछ देखा था। ठीक, तो ये सारे टॉपिक्स की वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे, उसमें स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स की वीडियोस अलग अलग मिल जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज रिग्रेशन। अब यार रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? रिग्रेशन का मतलब होता है टू प्रेडिक्ट, मतलब भविष्यवाणी करना। अब क्या प्रेडिक्ट क्या कर रहे हो आप? हम ना रिग्रेशन में प्रेडिक्ट करते हैं एक किसी एक पैरामीटर की वैल्यू किसी दूसरे उसी पैरामीटर से रिलेटेड, पैरामीटर से रिलेटेड जो होता है उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी, और उसको एस्टिमेट करते हैं। तो रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन होता है कि हम किसी एक पैरामीटर की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ किसी दूसरे पैरामीटर की वैल्यू, कि भाई दोनों का रिलेशन है कि भाई अगर इसके बढ़ने से उस पर क्या असर पड़ता है, दैट इज रिग्रेशन। हम प्रिडिक्ट करते हैं दूसरे की पैरामीटर की वैल्यू, दूसरे वेरिएबल के वैल्यू को पहले रिलेटेड वेरिएबल से। अब ये जो रिग्रेशन इक्वेशन होती है ना, ये रिग्रेशन इक्वेशन ये होती है, ये एक्चुअली बताती क्या है? ये बताती है कि दो जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच का स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप को इंडिकेट करती है। अब रिग्रेशन इक्वेशन होती क्या है? रिग्रेशन इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। इसमें y क्या है? इसमें y तो हमारा क्या निकाल रहे हैं हम? रिग्रेशन, तो रिग्रेशन है। ए हमारा होगा रिग्रेशन कॉन्स्टेंट होता है, अब तो बी क्या होगा? वेरिएबल कोफिशियंट, और एक्स क्या होता है? जो भी हम वेरिएबल जिसकी निकालना चाह रहे हैं वो। तो रिग्रेशन इक्वेशन को याद रखना, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक, इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है? थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि हम इसमें प्रिडिक्ट करते हैं किसी एक पैरामीटर की वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ दूसरे रिलेटेड पैरामीटर से। ठीक, अब रिग्रेशन जो है ना वो मुख्यतः दो तरह से होता है। एक होता है आपका लीनियर रिग्रेशन, एक होता है आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये दो पता किस पे निर्भर करते हैं? ये निर्भर करते हैं किस तरह के डेटा आप यूज कर रहे हो, फिर उसका डिपेंड करता है कि कौन सा रिग्रेशन आपको लगाना है। अगर क्वांटिटेटिव डेटा है तो आपको लीनियर रिग्रेशन लगाना है, अगर क्वालिटेटिव डेटा है तो आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाना है। ठीक, अब चाहे लीनियर रिग्रेशन हो चाहे लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो, दोनों ही दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? जैसे लीनियर रिग्रेशन है वो है यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट। ऐसे जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो भी दो तरह का है, यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट, है ना? ये यूनिवेरिएट लीनियर है,
ये मल्टीवेरिएट लीनियर है, ऐसे ही लॉजिस्टिक वाले में ये यूनिवेरिएट लॉजिस्टिक है और ये मल्टीवेरिएट लॉजिस्टिक है। अब ये कैसे पे कैसे देखा कि यूनिवेरिएट में क्या आएगा मल्टीवेरिएट में? यह सिंपल सी बात है, यूनि मतलब एक, वेरिएट वेरिएबल, तो जहां एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की वैल्यू से हम प्रिडिक्ट करते हैं, दैट इज यूनिवेरिएट। ये एक मतलब हमने जीएफआर, जीएफआर का फुल फॉर्म ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की वैल्यू, किसके वैल्यू पे निर्भर करेगी? ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कि भैया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर सही नहीं हो रहा है तो बीपी इफेक्ट हो सकता है, या बीपी बढ़ रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे इफेक्ट करेगा। तो एक पैरामीटर की वैल्यू से हम एस्टिमेट करते हैं रिलेटेड पैरामीटर को, एक 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 एक, तो एक बोले तो यूनि, तो यूनिवेरिएट है ना, यूनिवेरिएट लीनियर। और मल्टीवेरिएट क्या होगा? मल्टीवेरिएट यानी एक से ज्यादा, तो जीएफआर की वैल्यू एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे निर्भर करेगी, जैसे कि बीपी, यूरिया, क्रिएटिनिन। तो इन सभी की वैल्यू से एस्टिमेट करेंगे हम जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की वैल्यू। तो मल्टीवेरिएट लीनियर, मल्टीवेरिएट क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा, और लीनियर लीनियर क्यों? क्योंकि क्वांटिटेटिव डेटा है। ऐसे ही यूनिवेरिएट लॉजिस्टिक, लॉजिस्ट यूनिवेरिएट यानी कि एक पे, लॉजिस्टिक यानी कि क्वालिटेटिव डेटा। तो यूनिवेरिएट जैसे कि स्मोकिंग और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो स्मोकिंग ये भी क्वालिटेटिव डेटा हो गया, एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये भी क्वालिटेटिव डेटा है, और एक मायोकार्डियल एक स्मोकिंग तो यूनि, तो यूनिवेरिएट। ऐसे ही मल्टीवेरिएट लॉजिस्टिक क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन दो, स्मोकिंग पे भी और ओबेसिटी पे भी, दोनों के पैरामीटर से हम एस्टिमेट करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। तो दो हो गए, एक से ज्यादा हो गए, तो मल्टीवेरिएट। और एमआई, ओबेसिटी, स्मोकिंग ये किस तरह का डेटा हो गया? क्वालिटेटिव डेटा हो गया, तो लॉजिस्टिक। सिंपल, तो समझ गए? जैसे यहाँ ब्लड प्रेशर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ये क्वांटिटेटिव डेटा है। ब्लड प्रेशर, यूरिया, क्रिएटिनिन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्वांटिटेटिव डेटा। स्मोकिंग और एमआई, स्मोकिंग, ओबेसिटी, एमआई क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा है तो लीनियर रिग्रेशन, क्वालिटेटिव डेटा है तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब ये कैसे याद रखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन में कौन सा डेटा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में? तो मैं हमेशा बोलता हूँ कोई एक याद कर लो, दूसरा तो याद हो ही जाएगा। तो कैसे याद करेंगे? देखो, लीनियर में आता है एन, अब एन और किस में आता है? क्वालिटेटिव में आता है कि क्वांटिटेटिव में? क्वांटिटेटिव में, तो क्वांटिटेटिव में भी आता है एन। तो लीनियर रिग्रेशन किस में करेंगे? क्वांटिटेटिव डेटा में। ऐसे याद कर सकते हो, लीनियर में भी एन आएगा, क्वांटिटेटिव में भी एन आएगा, तो लीनियर रिग्रेशन क्वांटिटेटिव डेटा में लगाओगे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, है ना? और एक एक रहेगा तो यूनिवेरिएट लीनियर, एक से ज्यादा रहेंगे एक जीएफआर को करने के लिए, या एक से ज्यादा वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को एस्टिमेट कर रहे हो तो मल्टीवेरिएट, है ना? और क्वांटिटेटिव डेटा है तो मल्टीवेरिएट लीनियर, क्वांटिटेटिव डेटा और दो सिर्फ सिंगल सिंगल है तो यूनिवेरिएट लीनियर। सिंपल, तो ऐसे याद कर सकते हो लीनियर रिग्रेशन क्वांटिटेटिव डेटा में, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्वालिटेटिव डेटा में। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको रिग्रेशन में पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ सवाल की, तो भाई ये कुछ, ये जो सवाल है ना, ये रेगुलर बेसिस पे तो नहीं पूछे जाते, तो थ्योरी में आपको एज सच तो नहीं आता, लेकिन अगर पढ़ के क्वेश्चन आना ही है तो आपको वेरी शॉर्ट नोट पे आ जाएगा। इन जनरल तो नहीं पूछा जाएगा रिग्रेशन अलग से, थ्योरी में अगर मतलब किस्मत अगर खराब हुई तो हो भी सकता है। ठीक, अब वाइवा में क्या पूछा जाता है? वाइवा में एक्चुअली पूछा जाता है कि रिग्रेशन में आप करते क्या हो, रिग्रेशन में आप प्रिडिक्ट करते हो एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे रिलेटेड वेरिएबल से या पैरामीटर से। ठीक, वाइवा में ना आपसे अगर पूछी जाएगी तो रिग्रेशन इक्वेशन पूछी जा सकती है, और हर चीज का मतलब कि वाई का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है, तो ये इक्वेशन जरूर पूछी जा सकती है। उसके अलावा वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर रिग्रेशन पे सवाल गया, वैसे तो बहुत अच्छा वाइवा जाएगा तब रिग्रेशन पे सवाल जाएगा, फिर भी अगर रिग्रेशन पे सवाल गया है तो आपसे पूछ ले जाते हैं कितने टाइप के होते हैं। आप बता दोगे लीनियर और लॉजिस्टिक,
फिर जो मेन वो पूछना चाहते हैं वो है कि लीनियर किसमें, तो क्वांटिटेटिव में, लॉजिस्टिक किसमें, तो क्वालिटेटिव में, ये भी वाइवा में पूछते हैं। फिर इनके भी टाइप्स पूछ लेते हैं, तो आपको बताते और समझाते आना चाहिए यूनिवेरिएट किसको कहते हैं और मल्टी वेरिएट किसको कहते हैं दोनों में, और फिर इनके एग्जाम्पल्स देते आने चाहिए दोनों के, यूनिवेरिएट लॉजिस्टिक, मल्टीवेरिएट लॉजिस्टिक, यूनिवेरिएट लीनियर, मल्टीवेरिएट लीनियर। तो वाइवा में अगर लीनियर, अगर रिग्रेशन पे वाइवा किया तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे हमारे स्लाइड्स और नोट्स में वो सभी एग्जाम से पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो इस पे तो रिग्रेशन में इस पे तो एमसीक्यू आया ही हुआ है कि भैया क्या करता है वो, तो एस्टिमेट करता है एक वैल्यू पैरामीटर की वैल्यू को रिलेटेड पैरामीटर से। दूसरा एमसीक्यू जो आया हुआ है वो रिग्रेशन इक्वेशन पे कि ये क्या करता है, ठीक है। तो ये दो एमसीक्यू तो आए हुए हैं, और एमसीक्यू जो आ सकते हैं वो ये आ सकते हैं भाई लीनियर रिग्रेशन कौन से डेटा पे और लॉजिस्टिक रिग्रेशन कौन से डेटा पे, और एमसीक्यू जो आ सकते हैं आपको ऐसा दे दिया जाएगा बीपी और जीएफआर, या बीपी यूरिया क्रिएटिनिन जीएफआर, या फिर स्मोकिंग और एमआई, या स्मोकिंग ओबेसिटी एमआई, और फिर पूछा जाएगा भाई कौन सा लगाओ, यूनिवेरिएट लॉजिस्टिक, मल्टीवेरिएट लॉजिस्टिक, मल्टी यूनिवेरिएट लीनियर, मल्टीवेरिएट लीनियर। तो ऐसे एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको रिग्रेशन के तहत पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।